हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। याद करें पिछले क्लास में हम लोग सेकंड एंड थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा केवल और केवल एक ही क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बचा हुआ है और वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, और यह कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। बार बार ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इन सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी रहता है और डिफाइन करने के लिए टर्म्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो आइए इन सारी बातों के संबंध में हम लोग जान लें। आइए जरा पहले हम लोग ऑस्मोसिस को समझेंगे कि ऑस्मो हमें टर्म जानना चाहेंगे। ऑस्मोसिस जरा यहाँ ध्यान, पिस्टन लगाए हैं, एक कंटेनर है, बीच में एक पोरस पार्टीशन है। तो अब ये दो पार्ट में बट गए। इस पार्ट में हम बात करते हैं कि हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे हैं, जबकि इस पार्ट में हम सॉल्यूशन ले रहे हैं। इस पार्ट में सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूशन पास जिसका कंसंट्रेशन है C1। इस केस को क्या लिया गया है, प्योर सॉल्वेंट लिया गया है। तो अभी देखिए भैया, केस फर्स्ट जो है इसके अकॉर्डिंग, केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग आप क्या देख रहे हैं, इस साइड सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट कितना परसेंट है, 100% है। जबकि इस केस में सॉल्वेंट जो होगा वो लेसर देन 100% होगा, क्योंकि यहाँ तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जोड़ के 100% होना है। हम कहते हैं सॉल्वेंट जो है वह क्या है, 80% है, और सॉल्यूट जो है वो यहाँ क्या है, 20% है। और इस केस में सॉल्यूट क्या है तो 0% है। या फिर दूसरे केस की बात करते हैं, दोनों में हम सॉल्यूशन ही लेते हैं, इधर भी हम सॉल्यूशन ही लेते हैं, इधर भी सॉल्यूशन लेते हैं। उधर का कंसंट्रेशन हम क्या लिए हैं, C1 में C2 कर देते हैं, और इसका कंसंट्रेशन हम लेते हैं C1। जहां हम कहते हैं कि वेयर C2 ग्रेटर देन C1। तो अब क्या है कि दोनों तरफ सॉल्यूशन ही है, लेकिन ये सॉल्यूशन जो है वो मोर कंसंट्रेटेड है और यह क्या है, लेस कंसंट्रेटेड है। ये मोर कंसंट्रेटेड है, यहाँ सॉल्यूट जो है वह 20% है, तो इसमें सॉल्यूट क्या होगा, 20% से डेफिनेटली कम होगा। हम बोलते हैं यहाँ सॉल्यूट क्या है, 10% है, और सॉल्वेंट जो है वो कितना है, 90% है। इस केस में सॉल्वेंट क्या है, 80% है। जब दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये हमारा पोरस पार्टीशन है, तो क्या होगा भैया, सॉल्वेंट इधर से इधर की ओर जाएगा और सॉल्यूट इधर से इधर की ओर आएगा, सॉल्वेंट इधर से इधर की ओर जाएगा और सॉल्यूट इधर से इधर की ओर आएगा, और तब तक ये मूवमेंट होता रहेगा जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन क्या, इक्वल ना हो जाए। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये ऑस्मोसिस नहीं है भैया, यह क्या है, डिफ्यूजन है। यह क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ, मूवमेंट ऑफ सबस्टांस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन।
ये तो डिफ्यूजन है, लेकिन यदि ये मेम्ब्रेन एसपीएम होता, यदि ये मेम्ब्रेन क्या होता, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता, एसपीएम होता, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम झिल्ली, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है, तो ये एक स्पेशल टाइप का मेम्ब्रेन है, इनेबल मेम्ब्रेन जिसकी हम बात करें, जिसमें क्या होते हैं कि पोर्स का साइज बहुत ही छोटा होता है और इस साइज से होकर सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर ये एसपीएम होता तब तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का मूवमेंट बंद हो जाएगा, सॉल्यूट का मूवमेंट बंद हो जाएगा, केवल और केवल क्या होगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट होगा, कहां से, तो प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, या हम कह सकते हैं ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ध्यान देंगे, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, या देखिए एक हम दूसरा टर्म बोल रहे हैं, अब हायर टू लोअर बोलेंगे वो भी सही होगा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, यह भी सही है, क्योंकि तो देखिए हम जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे तो वो सॉल्यूट के टर्म में होगा, जबकि दूसरे केस में हम क्या बोले हैं कि हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, जहां सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हायर है, इसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, इज नोन एज ऑस्मोसिस। दूसरा देखिए, हम एक और भी क्लियर बना रहे हैं, एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम फ्रेश वाटर डाल देते हैं, दूसरा क्या करते हैं, पिस्टन का है, यहां एक पानी ढंग का पिस्टन का लगा दें, और इसमें हम सॉल्यूशन ले लेते हैं, ये मेम्ब्रेन बोलते हैं क्या है, एसपीएम। तो क्या होगा, आप देखेंगे कि अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर की ओर आएगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से, नेट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट इधर से इधर की ओर आएगा, तो यहाँ क्या होता जाएगा, सॉल्यूशन का लेवल बढ़ता जाएगा और क्या होगा कि वह ऊपर से गिरना शुरू कर देगा, इधर से जाता जाएगा ऊपर से गिरना शुरू हो जाएगा, ऐसी बात नहीं होगी। आप क्या देखेंगे कि ये कुछ दूरी तक आने के बाद, कुछ हाइट तक आने के बाद इसमें पानी का लेवल क्या हो गया, होगा कॉन्स्टेंट हो गया, मान लेते हैं ये एच हाइट तक आके क्या हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया, इस एच हाइट के कारण वाटर इसके सरफेस के ऊपर आ गया, ये एक प्रेशर लगा रहा होगा जो क्या होगा रो जी एच, और यही प्रेशर हमारा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा। अभी हम ऑस्मोसिस की बात कर रहे हैं, तो ऑस्मोसिस के डेफिनेशन में हम लिखते हैं कि द प्रोसेस ऑफ नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ब्रैकेट में एसपीएम थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और ए सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम
इज नोन एज ऑस्मोसिस, इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या है यह हम लोग जान गए, और ये ऑस्मोसिस का डेफिनेशन भी बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इस पर बेस्ड करके दिया रहता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कभी कभी क्या कर देता है, कर देगा कि इन हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन के टर्म में नहीं जा रहा है, सॉल्वेंट के टर्म में चला गया है। इन सारी बातों को आप ध्यान देंगे। तो अभी आप जाने ऑस्मोसिस, अब हम लोग इसके आगे बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें तो पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर के संबंध में। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ना कि ऑस्मोसिस हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसे इंडिकेट किया जा रहा है पाई के द्वारा, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो कि अब आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन इस मेम्ब्रेन में क्या हो गया है कि इस एच हाइट तक सॉल्यूशन ऊपर आ गया। जब इस एच हाइट तक सॉल्यूशन ऊपर गया होगा तो ये क्या करेगा, इसके सरफेस को दबाएगा। मिस अभी जो पानी इधर से इधर की ओर जाना चाह रहा है, अब यह जो एच हाइट आया है वो क्या करेगा, पानी को बाहर की ओर धक्का देना शुरू करेगा, और एग्जैक्टली इतना ही प्रेशर लगा है कि इधर से लगाए गए प्रेशर के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए तो क्या होगा भैया, ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा। इसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। जिसे यहां ध्यान, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का नेट मूवमेंट इधर से इधर की ओर हो रहा है, अब अगर हम इस पिस्टन को दबाएं तो क्या होगा, ये पिस्टन अपने पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होगा वहां से और इधर की ओर आएगा, इसको दबाना शुरू करेगा। हम बहुत जोर से ना दबाएं ताकि इधर से इधर की ओर पानी आना शुरू हो जाए, तो उल्टा हो जाएगा जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, और यही हम क्या करते हैं, समुद्री जल से पानी, समुद्री जल से नमक को अलग करने में करते हैं। जितना भी वाटर प्योरीफायर है, जितना भी कैंट है, सब रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। यही रीजन है कि आप देखते होंगे कैंट वगैरह में आपको बहुत जगह बोला भी जाता है कि आरओ से पानी लाइए ना, कैंट वगैरह में देखेंगे चैम्बर बनाते हैं लिखा होगा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज होता है। अब जरा ध्यान दें, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम इसे दबा रहे हैं, ये पिस्टन डिस्प्लेस्ड हुआ, इस सॉल्यूशन को दबाएगा, ये सॉल्यूशन क्या इधर की ओर धक्का लगाएगा, इतना ही प्रेशर लगाए कि इधर से लगाए गए प्रेशर के एग्जैक्टली इक्वल हो जाए, तो ऑस्मोसिस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और इसी प्रेशर को हम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसमें सब क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन applied on solution which is just sufficient to stop the osmosis is known as osmotic pressure, is known as osmotic pressure। क्या कहे, कहते पर्टिकुलर टेम्परेचर द प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन व्हिच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग जाने कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रभावित कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें दो फैक्टर की बात हम लोग करते हैं, एक टेम्परेचर दूसरा कंसंट्रेशन। पहले में जानते हैं कंसंट्रेशन, तो एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोलर यील्ड, मोलर कंसंट्रेशन दैट इज मोलर यील्ड। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एट कॉन्स्टेंट टी। दूसरे पॉइंट में आते हैं, बात करते हैं टेम्परेचर। एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन द ऑस्मोटिक प्रेशर, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू, प्रपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इट मीन्स टेम्परेचर इन कैल्विनेशन। तो हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं डेट इज पाई डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू कैपिटल टी एट कॉन्स्टेंट सी, एट कॉन्स्टेंट सी। अब हम इस इक्वेशन वन और टू को मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखें हम क्या देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी और पाई इक्वल्स टू सी आर डैश टी, जहां आर डैश एक कॉन्स्टेंट है, वेयर आर डैश इज ए कॉन्स्टेंट विच इज नॉन एज सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट। गैस कॉन्स्टेंट नहीं कहेंगे, गैस में थोड़े आया है, नॉन एज सोल, हाँ वैल्यू बिल्कुल उतना ही होता है, सॉल्यूशन कॉन्स्टेंट इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 0.082 लीटर एटीएम पर कैलोरी पर कैलोरी पर वोल्ट, दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर। तो देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं कि पाई इक्वल्स टू सी आर डैश टी है, सी आर डैश टी है, सी की जगह पे लिख सकते हैं एन वाई भी, क्योंकि क्या है मोलरिटी है, एन की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू आर डैश इनटू टी। ये जो सी आपका है भैया ये क्या है मोलरिटी है, मोलरिटी का जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं आपको सब यूज हो सकता है, यहाँ याद कीजिएगा 1000 था क्यों, क्योंकि हम वॉल्यूम ml में ले रहे थे, लीटर में लिया गया है, तो क्या ml को लीटर में कन्वर्ट करके हिसाब से डिवाइड कीजिएगा ना, तो ऊपर आ ही जाए। ये आपका क्या हो गया कंप्लीट ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला हो गया पाई इक्वल्स टू सी आर डैश टी, यही सी की जगह पे मोलरिटी है, हम इसका लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन लीटर इनटू आर डैश इनटू आर डैश इनटू टी रहा, एन की जगह पे कर दिए W by mm, ये हो गया मास ऑफ सॉलिड और ये क्या हो गया मोलर मास ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर आर डैश की, तो इसे है ही हो जाएगा। दो छोटा छोटा सा टर्म इसमें पहले जाने, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। एक टर्म जानेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस, जाती सिंपल सब हम बनाते हैं सिंपल सब, तो याद दिलाएंगे
ये सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन या ये सॉल्यूशन फर्स्ट ये सॉल्यूशन सेकंड, इसका कंसंट्रेशन C1 या C2, C2 ज़्यादा है, C1 क्या है कम है, तो नेट क्या हो रहा था इधर से इधर की ओर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का नेट मूवमेंट हो रहा था। जब आप इसे पिस्टन को दबाए थे तो क्या हुआ था प्रेशर लगाए तो ये नीचे की ओर आया, इस सॉल्यूशन को दबाया तो सॉल्यूशन का सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर की ओर धक्का देगा, और जब इधर के द्वारा लगाए गए धक्के के एग्जैक्टली बराबर हो जाती है और प्रोसेस क्या हो जाएगा बंद हो जाएगा, इसे ही हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब अगर सॉल्यूशन पर लगाया गया प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा करने तो अब सॉल्वेंट इधर से इधर की ओर जाने लगेगा, यही प्रोसेस क्या कराएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की ओर जाने लगेगा। यही का वर्क किया जाता है समुद्री जल से नमक को अलग करने में, वाटर के प्योरिफिकेशन में रिवर्स ऑस्मोसिस। हम क्या कहेंगे कि व्हेन प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस अकर इन रिवर्स डायरेक्शन, सो इट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। कभी कभी तो ऐसा बुक में देखेंगे आप रिवर्स ऑस्मोसिस का फिगर बनाया हुआ भी होगा, एक बार तो फिगर बना दिया और लिखा नेम द प्रोसेस, वन मार्क्स वाले में नेम द प्रोसेस इंडिकेटेड बाय फिगर गिवन बिलो, तो हाँ हमें लिखना था उसका आंसर रिवर्स ऑस्मोसिस। एक छोटा सा टर्म और भी है, तीन ढंग के सॉल्यूशन होते हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। तो तीन ढंग का सॉल्यूशन होता है, क्या होता है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और तीसरा क्या होता है हाइपरटोनिक। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, दो ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेम हो उसे ही हम क्या बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, उसे ही आइसोटोनिक। तो पाई इक्वल्स टू हमारा क्या होता है CR' × T, अभी क्या हो गया पाई इक्वल्स टू CR' × T। तो देखिए R तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर बोल दिए तो सेम ही हो गया, इट मीन्स दोनों का कंसंट्रेशन भी नॉर्मली क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, हाँ मोलारिटी सेम होना चाहिए, वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट होगा तब तो एसोसिएशन डिसोसिएशन की बात हो जाए, जो वो अलग होता है एब नॉर्मल। तो दो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी ऑस्मोटिक प्रेशर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेम हो उसे ही हम क्या कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। आइसोटोनिक में क्या लिखेंगे टू सॉल्यूशन हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक जिसका क्या हो स्टेट, एक सॉल्यूशन हमें ज्ञात है, ये हमारा है सॉल्यूशन फर्स्ट, ये हमारा है सॉल्यूशन सेकंड, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिया गया है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 1 atm, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है 5 atm। तो अब देखिए ये हमें पता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, दूसरे का हमें निकालने के लिए दिया गया, हम इसका निकाले और ये हम पाए कि हमारा 5 atm है, इट मीन्स क्या देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में क्या है हाइपोटोनिक है, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे,
तो क्या बोलेंगे, आर डैश टी तो सेम ही हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, स्टैंडर्ड से कम हो, तो उस सॉल्यूशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक, और जिसका ज्यादा होगा उसे क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। अब जरा एक मिनट ध्यान से सुनिएगा, जैसे हम क्या करते हैं कि किशमिश को पानी में डाल दें, किशमिश को पानी में डाल दें तो आप देखिएगा वो बिल्कुल क्या होता है, स्वेल कर जाता है, कर जाता है, क्यों, क्योंकि उसके बाहर का जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और आप पानी में उसे डाले या चना को या पानी में डालते हैं तो क्या होता है, बाहर का कंसंट्रेशन क्या है, बहुत सॉल्वेंट है प्योर, और वाटर क्या है, अंदर का शेयर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो आप पानी क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसलिए वो स्वेल कर जाता है, और वो बस्ट नहीं करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, क्योंकि तो प्लांट सेल है, लेकिन यही अगर हम क्या करते हैं आरबीसी को फ्रेश वाटर में डाल दें तो क्या होगा, बस्ट कर जाएगा, इंडो ऑस्मोसिस के कारण उसमें पानी जाता जाएगा और वो क्या होता जाएगा, स्वेल करता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वो फट जाएगा, प्लांट सेल जो है वो नहीं फटेगा लेकिन एनिमल सेल क्या होगा, फट जाएगा। लेकिन अगर इसी हम आरबीसी को क्या करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन डालते हैं, ऐसे सॉल्यूशन डालते हैं जो उसका कंसंट्रेशन इससे भी ज्यादा हो, तो अब क्या होगा, पानी इससे बाहर निकल जाएगा, और पानी इससे बाहर निकल जाएगा तो क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। तो लेकिन अगर इसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो किसी प्रकार का कोई चेंज होगा क्या, कोई चेंज नहीं। आरबीसी को अगर हम हाइपरटोनिक में डालेंगे तो बस्ट कर जाएगा, हाइपरटोनिक में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंक कर जाएगा, लेकिन उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालें जो कि आरबीसी का आइसोटोनिक हो तो किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। दो एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जिसे कि फर्स्ट में हम कहते हैं कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एट 25 डिग्री सी। तो आप देखिए बनाएंगे तो आप क्या देख रहे हैं, कंसंट्रेशन दिया हुआ क्या है 0.1 है, टेम्परेचर 298 केल्विन ले लेंगे, आर का मान पता ही है आपको, पाई निकालना है तो पाई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे भाई, पाई इक्वल्स टू सी आर डैश टी, सी का मान डायरेक्ट है 0.1, आर डैश का मान 0.082 और टेम्परेचर 298, 0.082 इंटू 298 इसी का मल्टीप्लीकेशन होता है 24.4 और इनटू 0.1 तो 24.4 माई थिंक 2.44 एटीएम, ये क्या हो जाएगा 2.44 एटीएम। अब अगर प्रेशर को एमएम में ले जाना होगा तो 707 से गुना कीजिएगा, कभी कभी प्रेशर पास्कल में लेकर चल जाता है, आंसर जिससे क्वेश्चन दिया होगा तो आप पास्कल में निकालिए, तो एटीएम में निकाल लिए बाद में उसे हम पास्कल में चेंज कर देंगे, हम कन्वर्शन फैक्टर आपको लिखा चुके हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम कहते हैं ml ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट हैज ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू 2.46 एटीएम एट 27 डिग्री सी, फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट,
मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। इस अननोन सॉल्यूट का हमें मोलर मास बताना है। आइए इसके मोलर मास के संबंध में बात करें तो क्या देख रहे हैं कि हमें जो दिया गया है उसमें क्या क्या दिया गया है। तो वॉल्यूम दिया हुआ क्या है, 250 ml है। क्रिटिक मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, 1.5 ग्राम है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा ये आपको पता करना है। टेम्परेचर 27°C है, इट मीन्स क्या है, तो 27 + 300 इट मीन्स क्या है, 300 केल्विन है। और आर डैश का मान आपको पता ही है, तो आप क्या कीजिएगा, पाई का मान भी आपको पता है, 2.46 atm है। आप क्या लगाएंगे, आप इसमें लगा दें पाई इक्वल्स टू सी आर डैश टी। सी तो नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, एन बाई वी आर डैश टी, एन की जगह पे डब्ल्यू बाई एम एम इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू आर डैश इंटू टी, आर डैश इंटू टी। तो हमें मोलर मास निकालना है। अब हम आराम से यहाँ से मोलर मास निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम मोलर मास को ला रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू इंटू आर डैश इंटू टी बाय पाई इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1.5 इंटू 0.082 इंटू 300 बाय 2.46 इंटू कितना हो जाएगा, 250/1000। ये कट जाएगा कितने से भैया, 4 से कट गया, ये 2. ये हमारा गुना हो जाएगा 1.5 × 4 = 6 × 24.6 / 2.46 = 10, तो क्या हो गया भैया 60। उसका मोलर मास क्या हो गया, 60 हो गया। मोस्ट प्रॉब्ली यह यूरिया हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली यह यूरिया हो सकता है। ये क्वेश्चन और बताएं, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है सभी जगह, कहता है 5% मास बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज फाउंड टू बी आइसोटोनिक विथ 1% मास बाय वॉल्यूम एक्वस अननोन सॉल्यूट सॉल्यूशन, अननोन नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर, फाइंड मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। तो देखिए भाई दो अलग अलग ढंग का सॉल्यूट है, फर्स्ट केस में देखते हैं और सेकंड केस में देखते हैं। हम क्या करते हैं, तो फॉर 5% मास बाय वॉल्यूम एक्वस सुक्रोज सॉल्यूशन, एक्वस सुक्रोज सॉल्यूशन। यहां देखिए तो परसेंटेज डब्ल्यू बाय वी ये कितना है, 5 है ठीक। यहां क्या है, फॉर 1% और 1% मास बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट, अननोन सॉल्यूट इसका दिया गया है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम कितना, 1। इसका तो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास हम जानते हैं 342 होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास हमको निकालना है। आइए इसके लिए हम लिखते हैं 5 = क्या, सी आर डैश टी, सी मिस मोलरिटी के लिए क्या लिखेगा, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम गुने 10 बाय मोलर मास।
इतना किसके लिए लिखे हैं? आप सी के लिए, परसेंटेज मास और वॉल्यूम गुने टेन बाय मोलर मास, ये आप सी के लिए लिखे हैं इनटू आर डैश टी। यहाँ ये क्या लिखेंगे, सी वन आर डैश टी, यहाँ का सी टू आर डैश टी, ये पाई वन और ये हमारा क्या हो जाएगा पाई टू, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम टू इंटू टेन बाय मोलर मास एम एम टू हमें फाइंड करना है। ये देखिए वन हो गया, यहाँ हमें दिया हुआ है फाइव इंटू टेन बटे में 342 इंटू आर डैश टी, इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया वन इंटू टेन बाय एम एम इंटू आर डैश टी। ये सेकेंड, सिंस क्या जानते हैं, सिंस सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक सो पाई वन इक्वल्स टू पाई टू, सो पाई वन इक्वल्स टू पाई टू, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए ना भाई, दोनों को इक्वल कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्या देख रहे हैं, 5 इंटू टेन बाय 342 इंटू आर डैश इंटू टी इक्वल्स टू 1 इंटू टेन बाय एम एम टू इंटू आर डैश टी, आर डैश टी, आर डैश टी, 10, ये हमारा क्या हो गया एम एम टू इक्वल्स टू 342 बाय 5, 342 बाय 5, इसका हो गया, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 8.2, तो 68.2 हो जाएगा, 68.2 हो जाएगा। ठीक, इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो गया। एक ही क्वेश्चन एग्जांपल में है, एक ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी 22 नंबर दिया है, लास्ट का दो क्वेश्चन वो एबनॉर्मल वाला जुड़ा हुआ, लेकिन हाँ बिल्कुल ऑस्मोटिक प्रेशर पे है, एबनॉर्मल पे जुड़ा हुआ है। ठीक, एक मिनट हम देखें, तो एक ही क्वेश्चन आपका एग्जांपल में होगा, एक ही क्वेश्चन इंटेक्स्ट में होगा और एक ही क्वेश्चन क्या होगा एक्सरसाइज में होगा 22 नंबर, इन सभी को बना लेंगे और इसी के साथ आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, हाँ एबनॉर्मल की चर्चा अभी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि नॉर्मल आप जान लिए, अब सभी जगह सब फॉर्मूला वही चलता जाएगा, बाद में क्या होगा सब में एक आई फैक्टर जुड़ जाएगा, वो आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे। तो ये हो गया और अगले क्लास से हम लोग एम का काइनेटिक्स चलिए।